भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस चिड़िया को लूटने के लिए समय समय पर अनेक लुटेरों ने अपना हाथ आजमाया। महमूद गजनवी ने तो विशेष तौर पर इसे अपना निशाना बनाया। कहते हैं कि वह अपने साथ साथ देश का बहुत बड़ा खजाना लूट कर ले गया। कितना ले गया इसका आंकलन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई शक नहीं कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है। दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर इसका बड़ा उदाहरण है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस मंदिर में इतना बड़ा खजाना मौजूद है कि इससे भारत की डगमगाई अर्थव्यवस्था को 2 से ज्यादा बार ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मंदिर में मिला धन दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के बजट के बराबर है। मंदिर में मिले अरबों रुपयों से देश भर में 290 सुपर स्पेशल अस्पताल का निर्माण करवाया जा सकता है। इन पैसों से 14,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो सकता है। देश में खेलों को बढ़ाने के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे 1,000 बेहतरीन स्टेडियम बनाए जा सकते हैं। इस मंदिर के पीछे की कहानी काफी रोचक और रहस्यमयी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने और उसके रहस्य के बारे में। भारत का एक प्रांत केरल, इसकी राजधानी है त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। देवताओं की नगरी के नाम से मशहूर इस शहर को महात्मा गांधी ने सदाबहार शहर की संज्ञा दी थी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। हालांकि कहीं कहीं इस मंदिर के 16वीं शताब्दी में निर्मित होने का जिक्र भी है, लेकिन ये काफी साफ है कि लगभग 400 साल पहले यानी सन 1750 में त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक थे राजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से आसपास के कई क्षेत्रों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य को एक व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया, जहां दूर दूर से लोग आयुर्वेदिक औषधियां, स्वादिष्ट मसाले, खासकर काली मिर्च खरीदने के लिए कीमती जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं लेकर भारत आते थे। मसालों के व्यापार से राज्य को काफी फायदा होता था। कुछ ही वर्षों में राजा मार्तंड वर्मा के पास इतनी अधिक संपत्ति इकट्ठा हो गई कि मंदिर के खजाने और वैभव की कहानियाँ दूर दूर तक फैलने लगी। माना जाता है कि मार्तंड वर्मा ने पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन अब उसे अपने खजाने की सुरक्षा को लेकर भय सताने लगा। सन 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने राजा के पद से मुक्त होकर शासन को दैवीय स्वीकृति दिलाने के लिए अपना राज्य भगवान को समर्पित करते हुए स्वयं को भगवान विष्णु का आजीवक सेवक घोषित कर दिया। सबसे पहले उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उसको जमीन के नीचे गुप्त द्वार बनवा कर एकत्रित कर दिया। फिर इन गुप्त तहखानों को आधार बनाते हुए इसके चारों तरफ मंदिर का निर्माण किया गया और मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर भगवान विष्णु के पद्मनाभ नामक मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई। 1790 में टीपू सुल्तान ने मंदिर पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन कोच्चि में उसे हार का सामना करना पड़ा। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। पूर्वी किले के अंदर स्थित इस मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जिसका एहसास इसका 7 मंजिला गोपुरम देखकर हो जाता है। केरल और द्रविड़ियन वास्तुशिल्प में निर्मित ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर के भीतर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के लिए पुरुषों को सफेद धोती एवं स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मंदिर की खूबसूरती को देखकर सभी के मन में भक्तिभाव का संचार स्वतः ही जागृत हो जाता है। ये मंदिर भारत देश के सबसे पुराने मंदिरों और सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। साथ ही दुनिया के कुछ रहस्यमय जगहों में इस मंदिर की गिनती होती है। दरअसल यहाँ ऐसे कई रहस्य हैं, जिन्हें कई कोशिशों के बाद भी लोग सुलझा नहीं पाए हैं। इस मंदिर का 7वां दरवाजा हर किसी के लिए पहेली बना हुआ है।
कहा जाता है कि इस दरवाजे को नाग बंधम या नाग पाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस सातवें दरवाजे का रहस्य। 70 साल के एक बुजुर्ग भारतीय गुप्तचर विभाग यानी आईबी के पूर्व आईपीएस अधिकारी टीपी सुंदर राजन ने सन 2007 में एक अकल्पनीय काम किया। उन्होंने हाईकोर्ट में मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने के लिए एक याचिका दाखिल की, जिसकी बदौलत मंदिर के गर्भगृह में बने तहखानों को खोलने का आदेश जारी किया गया और फिर इतना खजाना मिला जिसके बारे में कुछ लोगों का आकलन है कि वह 1,00,000,00,000 रुपए से अधिक का है। 30 जून 2011 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 7 लोगों की समिति बनाई गई। टीपी सुंदर राजन उस 7 सदस्यीय समिति में से एक थे। समिति ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके वहां पर उपलब्ध 7 दरवाजों का मुआयना किया। एक महीने के बाद यानी 31 जुलाई 2011 को न्यायालय ने इन दरवाजों को खोलकर संपत्ति का मूल्यांकन करने का आदेश जारी किया। मंदिर के भूरे ग्रेनाइट फर्श के 5 फुट नीचे उन तहखानों के दरवाजे खोलने पर हजारों फ्रांसीसी और डच सोने के सिक्के, सोने के कई सारे आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के धागों से बने वस्त्र, सोने की मूर्तियां और बर्तन, कई बड़ी बोरियों में हीरे, हीरों से जड़ित जेवर, रूबी, पन्ना, बहुमूल्य रत्न और प्राचीन सोने के बर्तन मिले। मंदिर अधिकारियों ने उस खजाने की कीमत लगभग 1,20,000,00,000 रुपए आकी। वहीं इन 7 तहखानों में से एक तहखाना ऐसा भी है जो आज तक रहस्य का विषय बना हुआ है। दरअसल जब समिति इस आखिरी दरवाजे यानी चैम्बर बी को खोलने गई, तो वे कामयाब नहीं हो पाए। ये चैम्बर अन्य दूसरे चैम्बरों से कुछ खास था। वहाँ 3 दरवाजे मौजूद थे। पहला दरवाजा छड़ों से बना लोहे का दरवाजा था। जब समिति ने उसे खोला तो उसके पीछे एक और लकड़ी से बना एक भारी दरवाजा था, और जब इस दूसरे लकड़ी के दरवाजे को खोला गया तो वहाँ एक और लोहे से बना बड़ा ही मजबूत दरवाजा निकला, जिसे खोला नहीं जा सकता था। आखिरी दरवाजे पर ताले भी नहीं लगाए गए हैं। उसमें कोई कुंडी तक नहीं है। उस दरवाजे पर नाग सांपों की डरावनी आकृतियां बनी है, जो हमें चेतावनी देती है कि यदि इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मंदिर के सेवकों का कहना है कि इस दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है, जिसे अष्टनाग बंधन मंत्र या नाग पाशम मंत्र कहते हैं, मगर ये मंत्र क्या है ये कोई नहीं जानता। वहाँ के पंडितों का कहना है कि उस चैम्बर के अंदर जो भी है वह अनोखे श्राप से ग्रसित है। अगर कोई उसके अंदर जबरदस्ती जाने की कोशिश भी करता है तो वह बीमार हो जाता है या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तहखाने के कक्षों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदर राजन यानी वो शख्स जिन्होंने अदालत में उन दरवाजों को खुलवाने की याचिका दायर की थी, वह पहले बीमार पड़े, फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर के सेवकों ने ये चेतावनी जारी कर दी कि यदि किसी ने उस आखिरी कक्ष को खोलने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इन सब धार्मिक मान्यताओं के नजरिए को यदि एक तरफ रखकर दरवाजे के ना खुलने के रहस्य को समझा जाए, तो सर्वेक्षण करने पर समिति को ऐसा लगा कि चैम्बर बी का निर्माण बाकी 6 दरवाजों की सुरक्षा के लिए किया गया है। जब उन्होंने उस लोहे के नाग वाले दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उन्हें दरवाजे के दूसरी तरफ से पानी की आवाज आई, जिसके चलते उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यदि इस दरवाजे को खोला गया तो वहाँ से पानी का रिसाव तेजी से शुरू हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में पूरे गर्भगृह में पानी भरने लगेगा, जिससे मंदिर जमीन में धस सकता है और कुछ ही पलों में पूरा मंदिर टूटकर तहस नहस हो सकता है। मंदिर के इतिहासकारों ने बताया कि इस तरह के सुरक्षा दरवाजों का निर्माण इसलिए किया गया होगा
ताकि यदि कोई बाहरी व्यक्ति मंदिर पर आक्रमण करके खजाने को हासिल करना चाहे तो इस दरवाजे को खोलकर मंदिर को ध्वस्त किया जा सके और मंदिर का अनमोल खजाना किसी के भी हाथ न लगे। कुछ लोगों का मानना है कि सातवां दरवाजा आपको भगवान तक ले जाता है और कुछ कहते हैं कि दरवाजे के पीछे एक रहस्यमय नाग है जो भगवान विष्णु का सेवक है, जिसे अनंत नाग के नाम से पुकारा जाता है। खैर, ये सब तो लोगों की बनाई मान्यताएं और मनगढ़ंत कहानियां हैं। असल में कोई पुख्ता तौर पर नहीं जानता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे बाकी वीडियोस भी जरूर विजिट करें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर, फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।